दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया जीत गई है और उसी के साथ साथ इस सीरीज को भी टीम इंडिया अपने नाम कर चुकी है। अब तीसरा T20 मुकाबला 23 अगस्त को होना है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बदलाव हो सकता है। पहले T20 मुकाबले में तिलक वर्मा ने 0 रन मारे थे, उसके बाद दूसरे T20 मुकाबले में तिलक वर्मा ने 1 रन मारा है, तो दोस्तों जितेश शर्मा को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की कुछ इस तरह से प्लेइंग 11 हो सकती है। ओपनिंग बल्लेबाजी को संभालने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल। उसके बाद वन डाउन में होने वाले हैं संजू सैमसन और जितेश शर्मा को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। हालांकि जितेश शर्मा को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया जा सकता है, लेकिन संजू सैमसन का एशिया कप और वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होना है, इसीलिए तीसरे T20 मुकाबले में संजू सैमसन को मौका मिलने वाला है। उसके बाद पांचवें नंबर में रिंकू सिंह नजर आने वाले है। उसके बाद छठे नंबर में शिवम दुबे नजर आने वाले है। रिंकू सिंह ने और शिवम दुबे ने खतरनाक बल्लेबाजी की थी। उसके बाद सातवें नंबर में वाशिंगटन सुंदर नजर आने वाले है और आठवें नंबर में रवि बिश्नोई। फिर उसके बाद कप्तान जसप्रीत बुमराह 9वें नंबर में नजर आने वाले हैं और 10वें नंबर में अर्शदीप सिंह और 11वें नंबर में प्रसिद्ध कृष्णा। बॉलिंग पोजीशन में टीम इंडिया के लिए तीसरे T20 मुकाबले में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन तिलक वर्मा की जगह जितेश शर्मा को मौका मिल सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जितेश शर्मा डेब्यू कर सकते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की इस तरह से प्लेइंग 11 हो सकती है। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। वर्ल्ड कप 2023 और एशिया कप 2023 से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।